नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। युवती की हत्या के आरोपी की 3.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, डुगडुगी बजाकर हुई मुनादी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रजवल सिंह ने शहर कोतवाली क्षेत्र के एक दलित परिवार की युवती की हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया था। इस मामले में मुख्य आरोपी के अलावा उसके भाई समेत 6 आरोपियों के खिलाफ डीएम उन्नाव ने गैंगस्टर की कार्रवाई को 30 जून को अमली जामा पहना दिया। 2 जून देर शाम मुख्य आरोपी की 3.18 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्की की गई थी, जिसमें दिव्यानंद आश्रम भी शामिल है। इसी आश्रम की दीवार से सटे गड्ढे में दलित किशोरी की हत्या कर शव दफनाया गया था। जल्द ही जिला प्रशासन अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। क्या था मामला? जनपद के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के छोटे बेटे रसोल सिंह पर सदर 8 दिसंबर 2021 को कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली दलित युवती के परिजनों ने बेटी का अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्नाव पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। 24 जनवरी 2022 में पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर युवती के माता पिता ने लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कार के सामने आत्महत्या का प्रयास किया, तो मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। बरामद हुआ था शव। महिला ने तत्कालीन सीओसीटी कृपा शंकर समेत सदर कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूरे मामले की जांच शुरू हुई और आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने एसओजी के अलावा 2 टीमों को खुलासे में लगाया। पुलिस ने रजौल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी की निशानदेही पर 10 फरवरी को आरोपी के पिता के दिव्यानंद आश्रम के बगल की दीवार से सटे गड्ढे में दलित युवती का दफनाया गया शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रजौल सिंह, बड़े भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह समेत 6 के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। डुगडुगी बजाकर मना दी। मार्च महीने में सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। 30 जून को डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार के आदेश पर मुख्य आरोपी रजवल सिंह की 3.18 करोड़ की चल अचल संपत्ति कुर्की की गई। शनिवार देर शाम एसडीएम सदर सत्यप्रिया सिंह और सीओ सिटी आशुतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ दिव्यानंद आश्रम पहुंचे। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर मुनादी कराकर कुर्की का बोर्ड लगा दिया है। अब इस संपत्ति की बिक्री और खरीद नहीं हो सकेगी। दिव्यानंद आश्रम के अलावा रजौल सिंह के 2 मकान और प्लॉट को भी प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। एसडीएम ने क्या बताया? सदर एसडीएम सत्यप्रिय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव के आदेश दिनांक 30 जून 2022 के क्रम में रजौल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुल 5 स्थानों पर 3.18 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट ललित कुमार। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।